सेक्टर स्कीम लगी हुई है, विशेष रूप से मोहम्मदाबाद जो क्षेत्र है उसको यहाँ शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मजिस्ट्रेट और पुलिस की ड्यूटी पर्याप्त संख्या में लगा दी गई है और हर स्टेप पे नज़र रखी जा रही है, क्योंकि अभी नर्मदा में पीएम होगा, उसके बाद बॉडी चलेगी और यहाँ जब आएगी तो इन लोगों का क्रिमिनेशन का अगर समय से आ गई, क्योंकि इस समय रमज़ान चल रहा है, सामान्य रूप से परिजन बता रहे थे कि रात में हो जाता है क्रिमिनेशन, लेकिन अगर किसी कारण से रात में आएगी, और ये भी बता रहे थे जो इनका एक पुत्र है उसकी शायद पैरोल वगैरह के लिए प्रयास किया गया है, अगर पैरोल मिलती है तो ये लोग इंतज़ार करेंगे, ऐसा परिजनों ने कहा है। बाकी जैसा कल एक बार पीएम के बाद होगा तो ये जो भी स्ट्रेटजी हम लोगों की डायनेमिक है, जैसे जैसे वहाँ से जो बांदा से इनपुट मिलेगा उसके हिसाब से हम पूरी तरह से तैयार हैं। चाक चौबंद व्यवस्था है, पर्याप्त पुलिस बल है। और ज़िले के लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे? ज़िले के लोगों से यही है कि इस समय आचार संहिता भी लगी है, उसका भी अनुपालन करें। धारा 144 लगी हुई है, उसका अनुपालन होना चाहिए, और अगर उसका कहीं उल्लंघन होता है तो फिर तो दंडात्मक कार्रवाई होगी ही, क्योंकि इस समय पूरी मशीनरी भारतीय चुनाव आयोग की अधिसूचना जारी हो चुकी है, उसके परिप्रेक्ष्य में भी जो प्रशासन है वो अपने यहाँ दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। फिलहाल सुरक्षा का पता बंदोबस्त किया है, पर्याप्त संख्या में हमारे रवि चक्तारी गणों के नेतृत्व में पुलिस बल लगाया गया है, रात में भी मोहम्मदाबाद में पुलिस बल रहेगा और निरंतर रहेगा जब तक कि जो शव है उसका अंतिम संस्कार नहीं हो जाता। सेक्टर स्कीम लगी हुई है, विशेष रूप से मोहम्मदाबाद जो क्षेत्र है उसको यहाँ शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मजिस्ट्रेट और पुलिस की ड्यूटी पर्याप्त संख्या में लगा दी गई है और हर स्टेप पे नज़र रखी जा रही है, क्योंकि अभी नर्मदा में पीएम होगा, उसके बाद बॉडी चलेगी और यहाँ जब आएगी तो इन लोगों का क्रिमिनेशन का अगर समय से आ गई, क्योंकि इस समय रमज़ान चल रहा है, सामान्य रूप से परिजन बता रहे थे कि रात में हो जाता है क्रिमिनेशन, लेकिन अगर किसी कारण से रात में आएगी, और ये भी बता रहे थे जो इनका एक पुत्र है उसकी शायद पैरोल वगैरह के लिए प्रयास किया गया है, अगर पैरोल मिलती है तो ये लोग इंतज़ार करेंगे, ऐसा परिजनों ने कहा है। बाकी जैसा कल एक बार पीएम के बाद होगा तो ये जो भी स्ट्रेटजी हम लोगों की डायनेमिक है, जैसे जैसे वहाँ से जो बांदा से इनपुट मिलेगा उसके हिसाब से हम पूरी तरह से तैयार हैं। चाक चौबंद व्यवस्था है, पर्याप्त पुलिस बल है। और ज़िले के लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे? ज़िले के लोगों से यही है कि इस समय आचार संहिता भी लगी है, उसका भी अनुपालन करें। धारा 144 लगी हुई है, उसका अनुपालन होना चाहिए, और अगर उसका कहीं उल्लंघन होता है तो फिर तो दंडात्मक कार्रवाई होगी ही, क्योंकि इस समय पूरी मशीनरी भारतीय चुनाव आयोग की अधिसूचना जारी हो चुकी है, उसके परिप्रेक्ष्य में भी जो प्रशासन है वो अपने यहाँ दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। फिलहाल सुरक्षा का पता बंदोबस्त किया है, पर्याप्त संख्या में हमारे रवि चक्तारी गणों के नेतृत्व में पुलिस बल लगाया गया है, रात में भी मोहम्मदाबाद में पुलिस बल रहेगा और निरंतर रहेगा जब तक कि जो शव है उसका अंतिम संस्कार नहीं हो जाता।